तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पारो, और ये क्या लिखा है, नो हरी नो वरी। वैसे तो भूटान है हमारे भारत का पड़ोसी देश, पर यहाँ के शहरों में आके आपको एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो यहाँ के पेड़ हो या यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी अलग है। पर आपको ये सब भी देख के खुशी न मिले तो लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर तो मिल ही जाएगी। सो गाइज, आई एम हियर एट आमाज विलेज लॉज, और ये टाउन से कुछ 2 किलोमीटर दूर है। एंड विद मी हियर आई हैव कर्मा एंड कर्मा। व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉग हियर? हिज नेम इज स्नूपी। स्नूपी? यस। ओह, ही इज अ वेरी क्यूट डॉग। ओह बेबी, ओह स्नूपी वांट्स टू कम आउट टू। ओह, ही इज कमिंग आउट। नो प्रॉब्लम, ही विल गिव मी कंपनी। अच्छा, बिल्डिंग्स तो ठीक हैं, पर आप किसी नई जगह जाके वहाँ की पहचान कैसे करते हैं? कुछ ऐसे। ये है भूटान के स्टेपल रेड राइस, और उसके साथ हम खाएंगे चिकन मारू। इट्स बीन अ 4 आवर जर्नी फ्रॉम पुंचलिंग टू पारो, एंड इतने लंबे सफ़र के बाद ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड फूड। So good and so fulfilling. So guys, you just met Karma a while back. What is your name? Ugin. Ugin. So Karma and Ugin will tell us something about the chicken dish that I just ate. It is called chicken maru in Jonghatam. Chicken maru. Maru. Maru means curry. Yeah, it's very simple dish. Just you have to chop chicken, garlic, tomato, onion and chili. And chili, and the chili is some special because I could taste the chili very distinctly. It's organic. It's all organic. Yes. Guys, my room here at Amma's Lodge is so nice, and the hosts are also very very sweet. तो ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये मेरा room है, जिसके ऊपर थोड़ा सा bed पे clutter है अभी. And the hosts have also given me a hot water bottle just because the weather outside is very cold. And wow, this feels so good. I feel like I want to. Yes. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग माई पीपल। तो आज मेरा एक्चुअल फर्स्ट डे है पारो पारो में, क्योंकि कल तो मैं शाम को आई थी और ज़्यादा कुछ किया नहीं एक्सेप्ट फॉर जस्ट वॉकिंग अराउंड द हाउस दैट आई एम स्टेइंग एट। तो आज का दिन जो है वो मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ तकसांग गुम्पा जाने के लिए। एंड तकसांग गुम्पा, ऑल्सो नोन एज टाइगर्स नेस्ट, इज ऑलमोस्ट लाइक द नेशनल सिम्बल ऑफ भूटान। तो इट्स अ 2 आवर हाइक टू अ मॉनेस्ट्री विच इज़ पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल, और उसकी पिक्चर्स अगर आप कहीं पर भी देखोगे इंटरनेट पर तो वो बहुत ही सुंदर होती हैं। एवरीबडी, ये है मिस्टर योनतिन, एंड मैं इनके साथ कल ही आई हूँ पुंचलिंग से पारो, और आज मैं इनके साथ जा रही हूँ तकसांग गुम्पा की तरफ। Here we go. This is the start point of the trek. और यहाँ पे मैंने एक 500 रुपये की वो भी ली एंट्री टिकट मंदिर में घुसने के लिए ऊपर जाके। तो अगर आपको मंदिर में नहीं घुसना होगा आप ये टिकट स्किप कर सकते हैं, बट मुझे वहाँ अंदर जाना है तो इसलिए मैंने टिकट ले ली। आई एम रेडी विद माई लकड़ी, क्योंकि दिस काइंड ऑफ हेल्प्स यू इन कमिंग डाउन स्पेशली। अब हमारा जो है
स्टीप वाला इंक्लाइन शुरू हो गया है एंड वी आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन दिस हाइक. तो आराम आराम से करेंगे ऑफ कोर्स. बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे पारो में फर्स्ट डे है और मैं पहले दिन ही ट्रैक करने आ गई. तो इसका कारण ये है कि मैं इस ट्रैक को करने के लिए थोड़ी सी ईगर थी एक तो, और मैं 2011 में यहाँ पे आ चुकी हूँ, मतलब भूटान में पहले, और मैंने ये ट्रैक ऑलरेडी किया हुआ है. एंड दिस ट्रैक वॉज डेफिनेटली द मोस्ट इन्जॉयबल पार्ट ऑफ माई भूटान ट्रिप. तो मैंने सोचा इस बार चलो इससे शुरू करेंगे एंड बाकी दिनों में कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे. सो गाइस, कार्मा हियर विल टेल अस समथिंग अबाउट टाइगर्स नेस्ट. Well, you have to know at this juncture that while doing the Tiger's Nest hike, you will be making an ascent of 800 meters in the course of 2 hours. Top point is at 3,100 meters, which is a little below 10,000 feet. So that's the monastery. Okay, so we're almost at the halfway point. यहाँ से मुझे तत्थान गुंबा दिख रहा है. So it's in clear view at the moment. Whew. And honestly, so far, मुझे ये हाइक इतनी चैलेंजिंग नहीं लग रही. मे बी बिकॉज आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एवरेस्ट बेस कैंप. बट इफ आई हैव टू गिव यू अ रेफरेंस, अगर इंडिया की मैं किसी ट्रैक से कंपेयर करूँ तो मे बी दिस इज़ अ लॉट लाइक द त्रिउंड ट्रैक. और मुझे यहाँ तक पहुँचने में द हाफ वे पॉइंट इतना टाइम ही नहीं लगा, लाइक मे बी हाफ एन आवर या 40 मिनट्स लगे होंगे अभी तक. एंड आई एम कीपिंग अप, लाइक आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अ रेगुलर पेस ऑल्सो. हाई, आई एम अक्षय, आई एम फ्रॉम मुंबई. दिस इज अवर fifth day at Bhutan and we are really tired. And guys, that's Disha. Disha, introduce Hello. Yourself. Hi, I'm Disha again. I'm from Mumbai and I'm very pleased to meet Tanya right now. Yeah. The Tiger's Nest, I'm discussing a bit of etymology here, is locally known as Sanggumba, and Gumba connotes as a monastery. The Tiger's Nest or the Taksanggumba is attributed to Guru Padmasambhava or Guru Rinpoche as he is popularly known in Tibetan, and the most sacred sanctum is attributed to him. There are like 17 to 18 temples in the complex. Okay, this is literally the last 10% of the hike and I can see the temple in clear view, and look at how it's built. Unbelievable. मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कैसे बिल्ड हुआ होगा इतनी हाइट पे और ऐसे एकदम क्लिफ पे. द हाइक टू तत्सांगोम्पा अ सेकेंड टाइम इज अ चेक. एंड आई थिंक द सेकेंड टाइम इज मच बेटर देन द फर्स्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब 2011 था या 2012 था, एक्चुअली आई एम स्टिल फॉगी ऑन द डेट. But I got a similar picture at the same spot, so that was a win. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लग रही हो एंड आपको कोई बोले खाना तो तैयार है, कितना अच्छा लगता है ना? तो अभी मिस्टर योर्निन के साथ मैं आई हूँ पिकनिक पे एंड हम लोग खा रहे हैं ट्रेडिशनल भूटनीज खाना, वो भी होममेड, जो ये खुद बना के लेके आए हैं. सो दैट इज सो स्वीट. और हम लोग अभी लंच खाने वाले हैं. और हाँ, बाय द वे, तत्सांगोम्पा की हाइक बहुत अच्छी थी और मैं नीचे लिटरली भागते हुए आई हूँ, तो मुझे बहुत भूख लग रही है. हेलो, या या हेलो, खाना खा लिया? पेट भर गया? क्या आपका पेट भर गया? पारो के ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल ब्रिज पे एंड योनटन वॉज नाइस इनफ टू गेट द ट्रेडिशनल भूटनीज आउटफिट फॉर मी. तो अभी दो लोकल लेडीज़ ने मुझे हेल्प की ये पहनने में एंड कितना अच्छा लग रहा है भूटान की ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के ब्रिज पे चलने में. तो अभी मैं अपने होम स्टे वापस आ चुकी हूँ एंड माई डे इन पारो हैज़ ऑलमोस्ट कम टू एन एंड, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और कुछ करने के लिए शायद नहीं है. सो आई प्रॉब्ली जस्ट रिलैक्स एट माई होम स्टे. ऑल्दो अगर आप पारो आए और आप पहली बार आ रहे हो तो काफ़ी कुछ और भी आप देख सकते हो. लाइक देर इज़ अ म्यूजियम, देर इज़ अ ज़ोंग विच आई डिड नॉट एंटर इन साइड बिकॉज आई एम वेटिंग टू गो टू पुनाखा एंड वहाँ के ज़ोंग के अंदर जाके देखेंगे. तो पारो में वैसे और तो बहुत कुछ करने को है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे प्राइमरीली सिर्फ तकसांग गुम्पा का ट्रैक करना था. एंड आई टुडे हैड एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई वांटेड, अ मोर लोकल एक्सपीरियंस विद लोकल क्विजीन, टॉकिंग टू पीपल, वेयरिंग द ट्रेडिशनल आउटफिट एंड ऑल ऑफ दोज लिटिल थिंग्स. तो मैं तो आज के दिन से अपने बहुत खुश हूँ. एंड शुड आई टेल यू गाइज दिस और शुड आई नॉट? मेरे को पता नहीं, बहुत मन था तकसांग गोम्पा वापस आने का. मैंने जैसे पहले बोला था कि मैंने 2011 में या 2012 में भी पहले एक बार ट्रैक किया हुआ है, 2012 में भी एक बार पहले ट्रैक किया हुआ है. एंड उधर जाके ना एक अलग सा पीस मिलता है. आई कांट एक्सप्लेन वाई और हाउ. काली, हाय काली. तो इसके साथ साथ मेरे भूटान के पहले दो दिन का एक्सपीरियंस ख़त्म हुआ, नए लोगों से मिलने का, खाने के बारे में जानने का और पहाड़ों की हवा में रहने का. Oh, before I leave, very quickly, पारो में अभी बारिश हो रही है और मैं अभी अपना काम कर रही हूँ क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे को हमें वीडियो रिलीज करनी होती है बिकॉज कमिटमेंट. बट बिफोर आई लीव आई वॉन्टेड टू मैंशन कि अगर आपको पारो आके सेम जगह पर रहना है या फिर सेम ड्राइवर के साथ बुकिंग करनी है तो मैं उन सब के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स ऑफ पारो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम इफ यू ऑल्सो वॉन्ट बुक अ स्टे विद दीज गाइज और द ड्राइवर. एंड दिस प्लेस इज स्पेशली वेरी गुड इफ यू वॉन्ट लाइक अ क्वाइट एंड पीसफुल प्लेस टू एन्जॉय द वेदर एंड टू डू योर वर्क और जस्ट गो अराउंड पारो.